नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आपके साथ फिर से एक बार नेचुरल वीडियो को लेकर हम मौजूद हैं जनरल नॉलेज में। क्या नेचुरल वीडियो चल सकता है? हमने इसे कॉन्सेप्ट को लाया और लोगों ने काफ़ी प्यार और सराहना किया है इसका। हम इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद दे रहे हैं। और अगर आपको फीडबैक कॉलम में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको कुछ भी सजेशन देना है, आप निश्चित रूप से दें। और आज एक बार फिर से हम 10 नहीं 20 प्रश्न का एक ही जवाब कैसे होगा। जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और खास करके रेलवे के और जेपीएससी बीपीएससी के बच्चों के लिए, ये हम कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जिसका लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। सारी चीज़ें नेचुरल रूप में बिना एडिटिंग का, ये पहला वीडियो जो है भारत का जो हम आप तक भेज रहे हैं जनरल नॉलेज। तो आपको बता दें कि ये जनरल नॉलेज जो है इसमें तरह तरह के सवाल जो है महाभियोग या इम्पीचमेंट पर आते हैं। कैसे होंगे सवाल और क्या इसका उत्तर होगा? पहला प्रश्न है कि कैसे किनके किनके ऊपर महाभियोग लगता है। तो यहाँ पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके ऊपर महाभियोग नहीं लगे। आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको सेलेक्ट करना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। आपको हमने कोशिश की है कि पढ़ाई फन में कीजिए, टेंशन हटा दीजिए और आप आराम से परीक्षा पास कर जाइए। तो हम कुछ पद बता दे रहे हैं आपको आसानी के लिए कि महाभियोग होता क्या है। पहले महाभियोग का मतलब होता है कि अगर संविधान का उल्लंघन किसी ने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो उन्हें हटाने के लिए प्रोसेस होती है जो लोकसभा राज्यसभा से होता है और इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं भारत जिन्हें इम्पीचमेंट से हटाएंगे? सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, महालेखाकार जिसे कैग कहते हैं, आर्टिकल 148 में कैग होता है, उसे भी हटा सकते हैं। और इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को, और जेपीएससी बीपीएससी के भी चेयरमैन और मेंबर को हटाया जाता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं ना, उनके सारे मेंबर को हटाई जाती है मुख्य चुनाव आयोग के अलावा। और भी कई ऐसे पद हैं जो हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस, सारे लोगों को इम्पीचमेंट से हटाएंगे। और जब क्वेश्चन आएगा कि इन्हें कैसे हटाया जाता है, देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाएंगे, चीफ जस्टिस को कैसे हटाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाएंगे। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी हम आपको चेंज कर दें, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट होती है उसकी शुरुआत राज्यसभा से होता है, सिर्फ ये जानना है। बाकी लोगों के लिए या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, और दोनों से दो तिहाई बहुमत चाहिए, यानी कि 100 लोग हैं, उसका दो तिहाई कैसे होगा? 100 × 2/3 यानी कि 67। तो अगर किसी, जितने हमने आपको पद बताया इसमें जो लोग हैं इन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। सारे लोगों को महाभियोग से नहीं हटाया जाता है, लेकिन इन लोगों को, देखिए किनको नहीं हटाया जाता, प्रमुख पद जो एग्जाम में ऑप्शंस में दिया जाएगा, गवर्नर के ऊपर महाभियोग नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के ऊपर, अटॉर्नी जनरल के ऊपर महाभियोग नहीं लगता है, ये भी याद रखिएगा। ये दो ऐसे प्रमुख पद हैं जिनको हटाने के लिए सिंपल प्रोसेस होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और बहुत आसान सा है। अगला वीडियो आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो क्या करना है आपको? अब आपको हमारा चैनल है, आपको उससे जुड़ जाना है, JSR विनय IAS अकेडमी या फिर झारखंड अब तक न्यूज चैनल। हम इसी प्रकार से आपके साथ लगातार बने रहेंगे, आपका स्नेह और प्यार मिलता रहे। नमस्कार।